बीते 4 साल में भारतीय टीम ने 9 वनडे सीरीजें खेली, इनमें वह लगातार 8 वनडे सीरीज जीतने में कामयाब रही, लेकिन शुक्रवार रात को ऑस्ट्रेलिया ने भारत का विजय रथ रोक दिया। आइए जानते हैं आखिर क्या है वजह जिनकी वजह से टीम इंडिया को ये सीरीज गंवानी पड़ी। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में टीम इंडिया को घरेलू मैदानों पर हराना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं रहा है। पिछले एक दशक से तो मेहमान टीमों के लिए भारत में द्विपक्षीय सीरीज जीतना वर्ल्ड कप जीतने जैसा रहा है। पिछले 4 साल में टीम इंडिया ने पहली बार घरेलू सीरीज गंवाई है। चेपॉक में ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय टीम को 21 रनों से हराकर 3 मैचों की वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। बीते 4 साल में ऑस्ट्रेलिया पहली टीम रही जिसने भारत को घर में सीरीज हराई है। यह हार ऐसे समय पर आई है जब भारत में 6 महीने बाद वनडे वर्ल्ड कप होना है। बहरहाल यह वनडे सीरीज हाथ से तो निकल गई है, लेकिन टीम इंडिया की कई कमजोरियां उजागर हो गई हैं। बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों ही विभागों में कुछ कमियां हैं। शुभमन गिल पिछले काफी लंबे समय से ओपनिंग पायदान पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन इस सीरीज में उनका बल्ला भी खामोश रहा। वहीं उनके साथी और कप्तान रोहित शर्मा भी आखिरी 2 मैचों में कुछ खासा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। केएल राहुल जो काफी लंबे समय से अपनी फॉर्म से जूझ रहे थे, उन्होंने पहले मैच में तो अपने रनों का सूखा तोड़ा, लेकिन उसके बाद दूसरे कुछ मैचों में खास अच्छा नहीं कर पाए और आखिरी मुकाबले में अच्छी शुरुआत मिलने के बावजूद उसे बड़े स्कोर में तब्दील करने में नाकामयाब रहे। वहीं मध्यक्रम में सूर्यकुमार यादव ये सीरीज अपनी जिंदगी में दोबारा कभी याद नहीं करना चाहेंगे। 3 मैचों में सूर्यकुमार यादव अपना खाता तक नहीं खोल पाए और पहले ही गेंद पर आउट हो गए। हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा तो ऑलराउंडर हैं, ऐसे में उन दोनों पर दोहरा भार होता है, लेकिन यहां सूर्यकुमार यादव और केएल राहुल जैसे बल्लेबाजों से मुश्किल हालातों में अच्छी पारी खेलने की आशा थी, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों ने ज्यादातर मौकों पर निराश किया। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज वैसे तो वनडे क्रिकेट में वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, लेकिन इस सीरीज में यह दोनों गेंदबाज ज्यादा रंग नहीं बिखेर सके। खासकर जब विपक्षी बल्लेबाज ताबड़तोड़ बल्लेबाजी पर उतरता है तो यह गेंदबाज आक्रामक रवैया अपनाने की जगह दबाव में नजर आते हैं। यहाँ टीम इंडिया को बुमराह जैसे गेंदबाज की कमी साफ तौर पर खल रही थी।